सेलानेर के वार्ड क्रमांक 11 की निर्दलीय पार्षद ममता पटेल ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी रीता कैलेशिया अक्सर परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। जन समस्याओं की अनदेखी करती हुई बातों को देखकर समस्याएं लेकर जाने वाले पार्षदों के साथ उनकी बातचीत का लिहाजा बेहद आपत्तिजनक था। एक प्रेस बयान में पार्षद ममता पटेल ने आरोप लगाया कि हाल ही में वो अपने वार्ड की जन समस्या को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी से चर्चा करने गई तो उनका रुख अशालीन था। अधिकारी ने समस्या का निराकरण करने के बजाय बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ममता पटेल का कहना है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उनसे कहा कि आप चाहें जो कर लें, कहीं भी शिकायत कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए उन्होंने बजाय समस्या हल करने के उल्टे उन्हें ही देख लेने की धमकी दी। ममता ने कहा कि ये कोई पहला अवसर नहीं है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ऐसा किया, बल्कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बुरा बर्ताव करती रहती है। पार्षद पटेल ने कलेक्टर से मांग की है कि बेलगाम मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर रोक लगाए, अन्यथा वार्डवासियों के साथ में नगर परिषद भी धरने पर बैठ जाएगी। सेलाना से नितिन राठौर की रिपोर्ट। और मेरे वार्डों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ना सीएमओ सुन रही है, ना